हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में जैसा कि आप सभी को पता होगा, रेगुलर के लिए काफ़ी स्टूडेंट के जो एडमिशन है और जो सीट्स है वो पक्की हो चुकी हैं, और इसी के बीच कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया है। तो इसी को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय ने वीकेंड सीट्स की लिस्ट निकाली थी, जो लिस्ट आपके सामने अभी आप देख सकते हो। कई ऐसे सीट्स हैं कई ऐसे कोर्सेज में जो अभी खाली हैं। जैसे आप देख सकते हो, बीकॉम ऑनर्स में सीट है खाली है, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज में कई सारी सीट्स है खाली, आप खुद देख सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में दिल्ली विश्वविद्यालय ने टोटल कुछ सीट्स और निकाली है, जिसके माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्टूडेंट को एक और मौका दिया, यानी कि कुल मिला के एक और मेरिट लिस्ट आपकी आनी है। तो इसी को लेकर कई स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर, जैसे अगर हम चाहे तो क्या चेंज करवा सकते हैं? तो मैं कहूँगा यस, आप चेंज करा सकते हो। अगर आप कोर्स वगैरह अगर आप चेंज कराना चाहो तो करा सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये कुछ सीट्स हैं जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि ये सीट्स वैकेंट सीट्स हैं जिसमें एडमिशन लिया जाएगा। और एक चीज़ और, आपका जो वो पोर्टल है, जिस पोर्टल पे CSAS जो पोर्टल है, उस पोर्टल पर रीऑर्डर और आपका कोर्स वगैरह आप सिलेक्ट कर सकते हो, सीट के लिए दावा कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और इसका जो लास्ट डेट जो बताई गई है, ये आपकी मतलब कल से स्टार्ट हो गया, 10 बजे से स्टार्ट हो गया है। इसमें आप विड्रॉल भी करा सकते हो, कैंसिलेशन भी करा सकते हो, ठीक है? तो सारा ऑप्शन अभी मिलेगा और इसके बाद आपका जो एडमिशन है वो इन सीट्स के लिए कंफर्म कर लिया जाएगा। तो फिलहाल मैं ये कहूँगा सेकंड राउंड है, फर्स्ट राउंड तो हो चुका है, सेकंड राउंड में ये कुछ वैकेंट सीट्स हैं जो निकाली गई हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं। थैंक यू सो मच।